देश में कुल कारों की बिक्री में लगभग 50% की हिस्सेदारी रखने वाली मारुति सुजुकी ने कभी शायद सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि एक महीना ऐसा आएगा जिसमें मारुति सुजुकी की बिक्री पूरे महीने में शून्य कारों की होगी, यानी कि एक भी कार कंपनी पूरे महीने के दौरान नहीं बेच पाएगी। लेकिन कोरोना वायरस के चलते जैसे लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद में जब चीज़ें बंद हुई तो ऐसा हुआ है, और वो हुआ है बीते अप्रैल महीने के दौरान। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अप्रैल महीने के अपने घरेलू बाजार के यानी के भारतीय बाजार के जो बिक्री के आंकड़े हैं वो जारी कर दिए हैं, और आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि कभी किसी ने भी मारुति सुजुकी से लेकर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र को जानने वाले समझने वाले लोगों ने कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक महीना ऐसा भी आ सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कि देश के आधे कार बाजार पर हिस्सेदारी रखने वाली मारुति सुजुकी की बिक्री शून्य हो जाएगी। लेकिन अप्रैल में ऐसा हुआ है, और ना सिर्फ मारुति बल्कि और जो कार कंपनियां हैं उनके जो आंकड़े हैं वो भी शून्य ही रहने की आशंका है, क्योंकि अप्रैल के दौरान देश भर के अंदर कोई भी कार डीलरशिप नहीं खुली है, तो इसी वजह से ये आशंका बनी हुई है। हालांकि अभी तक तमाम जो कार कंपनियां हैं उनके बिक्री के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन एक और कंपनी है मारुति सुजुकी के साथ में जिसकी बिक्री का आंकड़ा आ गया है, और वो है MG मॉरिस गैरेजेस ब्रांड है, जो कि अपनी पहली कार हेक्टर को लेकर भारतीय बाजार में आया। ज़बरदस्त सफलता इस मॉडल को मिली, लेकिन अप्रैल के दौरान MG की बिक्री भी भारतीय बाजार में शून्य रही है। शायद ही कोई ऐसा काल या ऐसा समय रहा हो कि जब इस तरीके के हालात बने हों कि पूरे देश में, और वो भी भारत जैसे देश में जो कि दुनिया के टॉप 3 या 4 बड़े देशों में शामिल है, दुनिया के टॉप 5 या 6 जो ऑटोमोबाइल बाज़ार है, कारों का बाज़ार है, उसमें शामिल है, और वहाँ पर जो देश की सबसे बड़ी कार कंपनी हो 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखती हो, उसकी बिक्री शून्य रहे, तमाम कंपनियों की जो बिक्री है वो शून्य रहे। अब अगर बिक्री के आंकड़ों की हम बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मारुति औसतन हर महीने 1.5 लाख से ज़्यादा कारें अकेले भारतीय बाज़ार में बेचती है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हर महीने 1.5 लाख से ज़्यादा कारें, और वो कंपनी अब अप्रैल के दौरान शून्य कारें बेच पाई है, एक भी कार उसकी भारतीय बाजार में नहीं बिकी है। तो इतिहास है एक तरीके से, कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, कल्पना से परे रहा होगा ये। भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार जो है वो बीते लगभग 12-13 महीनों से, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, हिचकोले खाता हुआ चल रहा है। लगातार बिक्री जो है ऊपर नीचे होती रही है, लगातार गिरावट भी कई महीनों तक देखने को मिली है। लेकिन ऐसे हालात होंगे ये कभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जब लॉकडाउन लगता है तो ना सिर्फ मारुति बल्कि मॉरिस गैरेजेस के भी नतीजे आए हैं, और आशंका ऐसी बनी हुई है कि देश भर की जो तमाम कंपनियां हैं, चाहे वो हुंडई हो, महिंद्रा हो, या फिर अगर टू व्हीलर्स की बात कर लें तो हीरो हो, बजाज हो, TVS हो, सभी के आंकड़े लगभग यही रह सकते हैं, शून्य या शून्य के आसपास ही। तो एक तरीके से कहें तो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश होंगे जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन था, वहां पर बिक्री के आंकड़े इसी तरीके के आएंगे। और अगर भारतीय बाज़ार की हम बात करें तो भारतीय बाज़ार में जो ऑटोमोबाइल का बाज़ार है वो जैसा हमने बताया कि मंदी के दौर में चली रहा था, अब ये लॉकडाउन का पीरियड आता है, लॉकडाउन का समय आता है जब अप्रैल में बिक्री शून्य रहती है, लेकिन आगे चलकर भी उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल बाज़ार में नहीं है, क्योंकि उत्पादन जो है कार कंपनियों का पूरे तरीके से थमा हुआ है। देश की जो सबसे बड़ी कार कंपनी है मारुति सुजुकी, उसको उत्पादन की परमिशन मिल गई है गुड़गांव और मानेसर प्लांट में, लेकिन कंपनी ने अभी तक उत्पादन जो है अपना वो शुरू नहीं किया है। प्रोडक्शन शुरू ना करने की वजह यह है कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन होती है, जिस सप्लाई चेन में 200, 250, 300 या उससे भी ज़्यादा जो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं उन सब का शुरू होना ज़रूरी होता है, और इसीलिए, और सबसे अहम बात यही है कि जब मांग होगी तभी कंपनियां उत्साहित होंगी प्रोडक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं मांग जैसी अप्रैल में रही है, आगे कैसी रह सकती है? लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम की दिक्कत है, लोगों के पास पैसा कम है, बड़े पैमाने पर नौकरियां लोगों की जा रही हैं, तो ऐसे में जो देश में कारों का भविष्य है वो कोई बहुत ज़्यादा सुनहरा आने वाले एटलीस्ट 6 महीने या 8 महीने तक नज़र नहीं आ रहा है।
और सबसे बड़ी बात, अभी तक की ऑटोमोबाइल बाजार की सबसे बड़ी खबर यही है कि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री अप्रैल में शून्य रही है। साथ ही साथ मॉरिस गैरेजेस के नतीजे आए हैं, उसकी भी बिक्री शून्य रही है और आशंका यही है कि जो और प्लेयर्स हैं, चाहे वो कार मार्केट के हों या टू व्हीलर के, सबकी बिक्री अप्रैल में शून्य ही रह सकती है। ABP News आपको रखे आगे।